नमस्कार, सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी जो सुबह से सुर्खियों में है, एक बार फिर से यहां से मंदिर मस्जिद का शोर सुनाई देने लगा है। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिर से तेज हो गया है। इसका कारण है काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का सर्वे हो रहा है और ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहा है। सर्वे के दौरान किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए यहां सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन सर्वे के दौरान बवाल देखने को मिला। शुक्रवार को यहां पर जुमे की नमाज के दौरान में सर्वे का विरोध किया गया और जब टीम वहां सर्वे करने के लिए पहुंची तो लोग ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए तो वहीं मौजूद हिंदुओं की तरफ से हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। विवाद बढ़ता देख पुलिस की तरफ से लोगों को शांत कराया गया और कई घंटों बाद सर्वे शुरू हो गया। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का विवाद कोई नया नहीं है, ये विवाद तो करीब 30 साल पुराना है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद से मांग तेज हो रही है कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का विवाद भी सुलझाया जाए। दरअसल 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक याचिका दायर की थी और इस पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मंदिर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था और साथ ही इसकी रिपोर्ट 10 मई तक मांगी गई है, इसलिए मंदिर में सर्वे और वीडियोग्राफी की गई। लेकिन यहां सर्वे पर संग्राम देखने को मिला। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन पहले वो सवाल जान लेते हैं जो लगातार इस संग्राम के बाद में उठ रहे हैं। सर्वे पर संग्राम क्यों मचा घमासान? आखिर सर्वे पर इतना घमासान क्यों देखने को मिला? वीडियोग्राफी पर बवाल, कैसे हो पाएगा इसका समाधान? ये पूरा विवाद 30 साल पुराना है, क्या अब इसका समाधान हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से किसे परेशानी? अयोध्या के बाद काशी कितने विवाद बाकी हैं? कैसे सुलझेगा मंदिर मस्जिद का विवाद? तो मेहमानों का परिचय कर लेते हैं। अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत आपका। नवीन दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से नेता। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साथ ही नागेंद्र जी जुड़ गए हैं, नागेंद्र महाराज जो कि हिंदू धर्म गुरु है, उमेर खान मुस्लिम धर्म गुरु और साथ ही रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेर जी, आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी कि आखिर वीडियोग्राफी करवाने में दिक्कत क्या थी? सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे, लेकिन हमें सरकार की नीतियों पर पूरा शक है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि जितने भी अवैध मंदिर रास्तों में चौराहों पर बने हैं उनको तोड़ा जाए, कभी उसका प्रसार प्रचार नहीं किया जाता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उनको नहीं तोड़ा जाता, मीडिया डिबेट उन पर नहीं होती, अखबारों की जीरत नहीं बनती, लेकिन अगर कोई इस टाइप का मामला हो जाता है तो सारा आसमान सर पर उठा लिया जाता है और इस तरह से उसको पेश किया जाता है जैसे पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा आज यही रह गया है और सारे मुद्दे खत्म हो गए। उमेर जी, एक सीधा सा सवाल है मेरा आपसे कि आखिर वीडियोग्राफी करवाने में क्या परेशानी थी, इसका जवाब दीजिए। मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, वीडियोग्राफी कराने में दिक्कत पहली बात तो ये कि वीडियोग्राफी का कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया। कोर्ट ने ये कहा कि आंखों देखा हाल बताएं, कोर्ट ने कहा ही नहीं है, आप देखिए उसको पढ़िए जो कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उसका आंखों देखा हाल बताएं कि वहां की क्या स्थिति है, आप कैमरे लेकर के पहुंच जा रहे हैं वहां पर, तो कम से कम कोर्ट का तो सम्मान करिए। ठीक है, तो अगर
किसी तरह का कोई डर ही नहीं था, तो उसके बाद में आपने वीडियोग्राफी करवाने से वहां जो मौजूद थे तमाम लोग, उन्होंने रोका क्यों? मैडम जब वीडियोग्राफी की कोर्ट कह ही नहीं रहा है तो वीडियोग्राफी हो क्यों रही है? विरोध तो होगा। ठीक है, चलिए बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अश्विनी शाही जी। इतने सालों से उस मंदिर में साल में एक दिन ही पूजा होती है, उसके बाद में एकदम से ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं पहुंचती हैं कोर्ट और याचिका दायर करती हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या इस पर स्टैंड? अमनदीप जी, इसमें बीजेपी पर सवाल उठाना हर बात में वाजिब नहीं है। अभी आपने बड़ा अस्पष्ट और सीधा सवाल पूछा तो हमारे पहले जो पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वहां पर कोई आदेश नहीं दिया गया था वीडियोग्राफी कराने का। आंखों देखा हाल कैसे बताया जाएगा? कोर्ट को, कोर्ट हमेशा सबूत पर चलता है। सबूत अगर एएसआई को बोला गया है कि एएसआई वहां जाकर और सर्वे करे तो सर्वे के साथ वीडियोग्राफी होगी तभी सबूत रहेगा, नहीं तो कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। और अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, वहां पर श्रृंगार और बाकी श्रृंगार गौरी और बाकी विग्रह पर अगर वहां पर स्पष्ट चीजें मिल जाएंगी तो इन लोगों का क्या होगा? डर इस बात का है, दहशत इस बात का है कि औरंगजेब ने तोड़कर जो मंदिर और मंदिरों को मस्जिद बनाया उसमें अगर मिल गया शिवलिंग, अगर वहां पर चीजें मिल गई पुरातत्व की, तो फिर से यही कोर्ट फैसला देगा कि यहां पर जो है इसको हटाकर बनाया जाए फिर से मंदिर। तो राम मंदिर में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आपने कहा, उसका जवाब मैं एक लाइन में देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी काम, देखिए 370 से लेकर राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, राम मंदिर एजेंडे में था, यहाँ का सुंदरीकरण एजेंडे में था, मथुरा एजेंडे में था, लेकिन हमने कोई संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया, संविधान सम्मत काम किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन आज उसी कोर्ट के आदेश की अवहेलना वहां के मौलाना और मौलवी करते हुए संविधान की माखौल उड़ा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। आज वही हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, आज वही देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लगाना तो ऐसे ही बेकार है। संविधान सम्मत हम लोग काम कर रहे हैं और ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं तो सारे मौलाना वहां क्यों विरोध कर रहे हैं? होने दे फोटोग्राफी, अगर सच है कि वहां पर मस्जिद थी तो क्या दिक्कत है भाई, मस्जिद रहेगी, कहीं कोई कुछ नहीं कह रहा। एएसआई तो लगभग लाखों बिल्डिंग पूरे देश में है जहां पर सर्वे करती है, उसकी फोटोग्राफी कराती है, पूरा विभाग बना हुआ है हिंदुस्तान में, तो करने दीजिए। ठीक है, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, इस पर उमेर जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। उमेर जी जल्दी से जवाब दीजिए कि आखिर परेशानी क्या थी? मैडम मैंने आपको अभी स्पष्ट बताया था कि प्रॉब्लम जो थी वो मैंने आपको बताई, आप कहीं मत जाइए। आप ये देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें ये बताया गया कि कहीं सबूत नहीं मिले कि मंदिर में मूर्तियां रखी थी, ये भी स्पष्ट है कि मस्जिद तोड़ी गई, ये भी स्पष्ट है कि उन मुजरिमों को सजा दी जाए, लेकिन स्पेशल कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट सर्वसर्वोत्तम है और एक स्पेशल अथॉरिटी हमें ये दी जाती है कि हम चाहे जो फैसला दें, और वो फैसला दिया गया और उसके बाद राज्यसभा की मेंबरशिप से उनको नवाजा गया, कौन नहीं जानता, ये कहीं हकीकत नहीं है। तो मैडम बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, हिंदुस्तान के संविधान को अपने घर उमेर जी मुद्दे पर बोलिए, उमेर जी मुद्दे पर बोलिए, उमेर जी मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे से मत भटकिए प्लीज जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये आरोप लगा रहे हैं और अश्विनी जी लौटूंगी आपके पास में, अश्विनी जी दिया गया, अश्विनी जी लौटूंगी आपके पास में, प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, और मैडम मैंने आपको बताया कि क्या हाई कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया कि जितने भी चौक चौराहों पर मंदिर बने हैं या मस्जिद बनी है या कोई भी धार्मिक स्थल बने हैं उनको हटाया जाए? क्यों नहीं बीजेपी कर रही है? मैंने आपको उमेर जी मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि सर्वे कराने में आखिर परेशानी क्या थी? अगर आप कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे, आदेश से संतुष्ट नहीं थे, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते थे, याचिका पर, याचिका खारिज करने को लेकर आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते थे, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है ना।
मैडम फिर इस तरह से विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया और आखिर दिक्कत मैडम, क्या थी इस पे? मस्जिद कमेटी कह रही है कि सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा उनको, वो चाह रहे हैं कि उनको समय दिया जाए। इतनी जल्दबाजी काय बात की है, इतनी हाय तौबा किस बात की है? सैकड़ों मंदिर देश में हैं, उनमें पूजा नहीं की जाती, आखिर उन्हीं मुद्दों को क्यों रेस किया जाता है? उमेश जी, 30 साल पुराना ये मुद्दा है, 30 साल पुराना ये मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी किस बात की है? 91 से चल रहा है, 30 साल पुराना ये मुद्दा है, जल्दबाजी हो गई, ये जल्दबाजी है। 70 साल पुराना मुद्दा है बेरोजगारी, 70 साल पुराना मुद्दा है बेरोजगारी। सर, बेरोजगारी को लेकर करेंगे डिबेट फिर कभी, लेकिन आज जो मुद्दा है प्लीज उस पर बोलिए, मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे लगता है आपके पास में सर जवाब भी नहीं है। ठीक है नवीन जी, एक साल में सिर्फ एक दिन ही परमिशन क्यों दी गई पूजा करने की? परमिशन राज्य सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने दी है अथवा कोर्ट ने दी है, पहले तो ये चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी, इसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वाराणसी के सिविल जज महोदय ने किसी एडवोकेट को कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, ये उनका ज्यूरिडिक्शन होता है, उनकी पावर होती है, वो किसी को भी एडवोकेट को कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं, उन्होंने उनको कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी प्रॉपर जांच करके अपनी एक रिपोर्ट माननीय अदालत के समक्ष रखें। अब उन्होंने, मुझे लगता है या तो प्रेशर रहा है या दबाव रहा है, वकील साहब को ये चाहिए था कि आज जब जुमा होता है, शुक्रवार के दिन, वहां उस जगह नहीं जाना चाहिए था, आपको वीडियोग्राफी करनी थी, उन पक्ष को भी बुलाते, आप बात करते हैं, भाई ऐसे ऐसे ये आदेश है हमारे पास में, इसके ऊपर हमें ये कार्रवाई करनी है, रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है कोर्ट के अंदर। वो पक्ष अपना बात रखता और अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो उस पक्ष, दूसरे पक्ष को भी अवसर दिया जाना चाहिए कि वो न्यायालय के समक्ष जाके अपनी बात रखे और उसके बाद उसके अनुरूप उसका फैसला हो। अब क्या है कि इस देश के अंदर अभी लोअर कोर्ट का मामला चल रहा है, ये मामला लोअर कोर्ट से बढ़ के आगे की अदालतों में जाएगा। इससे पहले आपने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है परमिशन देना, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से सन में परमिशन दी गई थी कि साल भर में एक ही दिन पूजा होगी और उस वक्त यूपी में किस पार्टी की सरकार थी? ऐसा है, ये मैं आपको बता दूं, जिस पार्टी ने अभी परमिशन दी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की सरकार में परमिशन नहीं हुई होगी, ये पक्का है। मैं आपको बता दूं, अब क्या है कि यदि परमिशन एक दिन के लिए दर्शन के लिए दी गई तो सरकार ने एक चीज तय करी है कि दोनों पक्षों के बीच में सद्भाव कायम किया जाए, देश की अस्मिता और अखंडता को कायम रखा जाए, ये बहुत अच्छा फैसला था, दोनों पक्षों ने माना, हिंदू पक्ष को भी श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए एक दिन मिला, कोई आपत्ति नहीं हुई, अगर आपत्ति होती तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, हमारा हिंदू पक्ष भी कोर्ट नहीं गया। अब चीज ये है कि जब ये इतना डिस्प्यूटेड 30 साल पुराना मैटर है, समाजवादी पार्टी के चाहते हैं कि आज नेता है, आपको इतनी तो जानकारी होगी ना सर कि 2004 में कौन सी पार्टी की सरकार थी और एक साल में अगर एक दिन पूजा अर्चना करने की परमिशन दी जाती है तो देर से ही सही, लेकिन लोगों ने विरोध तो किया, अब कोर्ट का ही तो रुख किया है ना कहीं आपत्ति तो थी ना जनता में, या फिर ये कह दीजिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो कोर्ट पहुंचे, उसी समय कोर्ट चले जाना, विश्व हिंदू परिषद उस समय भी थी, बजरंग दल उस समय भी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय भी था, तब चले जाते, कोर्ट क्यों नहीं गए ये लोग? अगर एक दिन की परमिशन दी गई दर्शन करने के लिए तो आपको उसी समय कोर्ट चले जाना चाहिए, तो बोलना चाहिए था कि हमें 365 दिन दर्शन करने हैं, सुबह और शाम दर्शन करने, क्या दिक्कत थी उसमें, क्यों नहीं गए? सवाल इसी बात का है, सवाल ये है अमनदीप जी कि यहाँ इच्छा शक्ति पर सवाल है। अश्विनी जी, मैं इसके बाद आप भी का रुख करूंगी, प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए सर, प्लीज अश्विनी जी इंटरप्ट मत कीजिए, बात जल्दी से बात पूरी कीजिए सर। नवीन जी देखिए, ऐसा है, मैं एक अमनदीप जी, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, एडवोकेट होंगे डेफिनेटली, और बेहतर रुद्रवर विक्रम जी भी बता देंगे, ऐसे तमाम मामलों में कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की पावर डिस्ट्रिक्ट जज को और सेशन जज को होती है, सिविल जज को भी होती है, उन्होंने अपॉइंट किया है, तो उन वकील साहब जो कमिश्नर बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के साथ अपनी जांच करते हो, जांच रिपोर्ट करके वीडियोग्राफी करनी है, स्टिल फोटोग्राफी करनी है, या जो भी साक्ष्य एकत्रित करने, अगर वहां से कोई सैंपल लेना है वो ले जाके कोर्ट के समक्ष रखें, और इसके अलावा यदि कोई और जांच करनी है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको लिए रिकमेंड कर सकते हैं, वो लिख के अपनी रिपोर्ट में, इसकी बेहतर जांच वो कर सकता है।
भारत के अंदर आज की तारीख में तमाम टेक्नोलॉजी और तमाम विभाग है इस तरीके के जो पुरानी बिल्डिंगों का जांच करते हैं और जांच करके अपनी एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो महिलाओं की तरफ से मांग की गई है कि 365 दिन पूजा अर्चना करने की परमिशन दी जाए, उससे आप सहमत हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब एक दिन के लिए परमिशन दे दी गई है और अगर एक महीने भी दर्शन होते तो उसमें आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर ये मैं अपने निजी ज्ञान से कह रहा हूं, अगर हम एक दिन दर्शन करते हैं और 365 दिन दर्शन करते हैं तो फर्क क्या पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साल भर में एक ही दिन पूजा करनी चाहिए सर, 365 दिन करने की जरूरत क्या? अश्विनी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, सवाल मैं वही अमनदीप जी, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई इनकी भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस आखिर क्यों नहीं है उस फैसले के खिलाफ जब एक दिन की परमिशन दी गई। नवीन जी, मुझे लगता है आप साल भर में एक ही दिन पूजा करते हैं। ठीक है अश्विनी जी, बात पूरी कीजिए। नहीं, हम तो रोज पूजा करने वाले, लेकिन अगर महिलाएं यही मांग कर रही हैं तो फिर इससे परेशानी क्या है? ठेकेदार बनती है, अगर आप रोज पूजा कर रहे हैं और महिलाएं भी अगर रोज पूजा करने की परमिशन मांग रही है तो फिर इसमें परेशानी क्या है सर? कम से कम ऐसी बात तो रखिए ना डिबेट में जिस पर सवाल खड़े ना हो। उनको सरकार से परमिशन मांगनी चाहिए थी। तो कोर्ट का अगर रुख किया है तो उसमें गलत क्या है? अगर कोर्ट का रुख किया है तो उसमें गलत क्या है? पहले परमिशन क्यों नहीं मांगी, अब क्यों मांगी, ये सवाल नहीं बनता है। ठीक है, बीजेपी के नेता, ठीक है सर, आगे लौटूंगी आपके पास में। मेरी बात पूरी, मैंने जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। कोर्ट हमारी सलाह से नहीं चलेगा, कोर्ट संविधान और कानून से चलेगा। ठीक है, यही मैं आपको समझा रही हूँ कि वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। बीजेपी से नेता अश्विनी जी, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। अमनदीप जी, एक लाइन में, मैं आपने कहा है, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, ये कह रहा है एक दिन में एक दिन पूजा किया जाए और साल भर किया जाए, क्या अंतर पड़ता है? तो मैं ये कहूंगा चलिए ठीक है, एक दिन पूजा कर लिया जाए तो नमाज भी एक दिन पढ़ लिया जाए, साल भर में काम खत्म, दोनों लोग सहमत हो जाए। लेकिन ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, जब कमीशन ने, माननीय अदालत ने कहा है कि 6 और 7 में सर्वे होगा और 10 तारीख को फिर रिपोर्ट मांगी गई है, तो अगर वहां जा रहे हैं तो जुमे में ना जाए, ईद में ना जाए, बकरीद में ना जाए, क्यों बात भाई? अदालत के लिए तो जब अदालत ने कहा उस समय जाना है। और आज संविधान का माखौल उड़ाकर तुष्टिकरण के लिए ये लोग देश को क्या करना चाहते हैं? अगर आप मानते हैं कि हाँ न्यायालय भी है कुछ, तो भाई मानिए, तुष्टिकरण करा ले। ठीक है सर, के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन जान लेते हैं, उसके में मैं लौटूंगी आपके पास में। डॉक्टर सुधा, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया इस पर? जो 1991 का केस संख्या 600, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो राखी सिंह ने एक याचिका दायर की थी जिसमें प्लाट संख्या 9130। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हेलो सुधा जी, बात पूरी कीजिए, आवाज पहुंच रही है। जी हाँ, तो जिस प्लाट नंबर 9130 की बात किया गया है उसमें श्रृंगार देवी की प्रतिमा और उसमें जितनी मौजूद मूर्तियां हैं उसको लेके उसमें सर्वे करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश दिया गया। मैं कोर्ट के आदेश के ऊपर कोई बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि संविधान और न्यायालय हमारा सबसे ऊपर है, उसकी कई बातें जो है वो सबको एक साथ होके माननी चाहिए। जहां तक बात है, जब भी कोई प्रवक्ता बोल रहा होता है, जब कोई हम बात कर रहे होते हैं देश के संविधान की, देश के न्याय व्यवस्था की, जब कोई गलती, कोई खामी उस तरफ से होती है जहां पे सरकार होती है और उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई चीज उनको रोकती है तब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई और प्रश्न करता है तो उसपे सवाल उठने लगते हैं। मैं अपनी बात को सिर्फ 2 लाइनों में कहना चाहूंगी अमनदीप जी, कि आजाद मुल्कों में जो राष्ट्रवाद शब्द है ये प्रयोग नहीं होता है। अगर आप लोग जानते होंगे कि जितने भी आजाद मुल्क होते हैं वहां पे राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्र प्रेम होता है, वहां पे राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र सेवा का नाम होता है। तो ये जनता को उन्माद के द्वारा, आक्रोश के द्वारा उन मुद्दों पे ले आना जिनकी जरूरत नहीं है। अगर याचिकाकर्ताओं ने किया था वो न्यायालय काम था, उन्होंने किसी को कमिश्नर बनाया वो काम होना चाहिए, चुपचाप होना चाहिए। इतना हायतौबा मचा के उसको इतना ज्यादा उस पे इतना फोकस कर दिया जाता है, जाहिर सी बात है हमारे देश पे मुगलों का आक्रमण हुआ था, ध्वंस किए गए थे, विध्वंस किए गए थे, कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, सबको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, वो क्रूर सच है हमारे साथ कि राष्ट्र के
इस रूप को हमने देखा है, वो दंश सहा है, लेकिन आज के समय में जब हम 70 वर्षों में देखते हैं तो अचानक इन 70 वर्षों में फिर से जो राष्ट्रवाद, जो गुलाम देशों की पहचान है, हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं क्योंकि आजाद मुल्क के लोग हैं, हम कैसे उसे अंध की तरफ वापस जा रहे हैं, क्यों उन्मादी हो रहे हैं। कोई भी धर्म हो, हर धर्म को जितनी स्वतंत्रता संविधान ने दी है उसके अनुसार कोई कार्य क्यों नहीं किया जाता है, क्यों इसको इतना उन्मादी कर दिया जाता है कि व्यक्ति सब कुछ भूल के आके वहीं पे उन्माद पे खड़ा हो रहा है, आक्रोश पे खड़ा हो रहा है, जबकि प्रतीक ने बताया है कि जल्दी से एक बात क्लियर कर दीजिए, वहां पर जो विरोध किया गया आप उसको गलत बता रही हैं या फिर सर्वे को गलत बता रही हैं? मैं सर्वे को गलत नहीं बता, मैंने कहा ना कि हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो संविधान है सर्वोपरि है, हम उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश पे कभी भी सर्वे का विरोध करना गलत है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अमनदीप जी, बात को मैं जो कह रही हूँ कि किस मंशा से कोई काम दिखाया जा रहा है, वो काम को जो कहा गया, ऐसे बहुत से आदेश आते हैं जिनको चुपचाप कर दिया था, कोई जान भी नहीं पाता है। एक आदेश हुआ था उसमें चुपचाप को कार्य होना चाहिए था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहुंची थी ना वहां पर, टीम तो चुपचाप ही पहुंची थी, उसके बाद में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तब ये मामले ने तूल पकड़ा है। अमनदीप जी बताइए, अचानक कोई घटना जिसको कोर्ट ने आदेश दिया याचिकाकर्ताओं और उसके बीच में तीसरा ये उन्मादी स्वर कहां से आता है जिसपे हिंदू मुस्लिम होने लगता है? जब भी हम ये करने लगते हैं ना तो हम चाहते नहीं है कि वो घटना चुपचाप सही से की जाए। मैं उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूँ, न कि कोर्ट के आदेश पे, न होने वाली जांच पे। बिल्कुल जांच जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट में लोग ऐसे नहीं बैठे जो कुछ भी काम ऐसे कर देते हैं, उनका कुछ ना कुछ तथ्यात्मक रूप होगा। और जो उन्होंने प्लाट पे के बारे में जो याचिकाकर्ताओं ने दिया था, 9130 प्लाट संख्या के बारे में बात हुई थी, उसे बिल्कुल होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा आंखों देखी, तो भाई आंखों देखी हम वीडियोग्राफी से कर सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रही हूँ। आदेश जो है वो पूर्णतः अनुपालित होना चाहिए, लेकिन बीच में मंशा चाल चेहरा तो दिखाता कुछ और है। किसी चीज को ऐसा आग लगा दो कि लोग अपने आप बिना सोचे समझे। किसने आग लगाई? जो आग किसने लगाई मैडम? जो उन्माद की राजनीति खेलते हैं, कौन करता है उन्माद की राजनीति? मैडम साफ साफ बोलिए ना, भाजपा। बिल्कुल भाजपा के लोग हमेशा धर्म का आण लेके, बिल्कुल नहीं, धर्म की आण लेके। आप इसमें प्रूफ कर दीजिए कि भाजपा ने कैसे उन्माद की राजनीति की है, फैक्ट्स पर बात कीजिएगा मैडम, फैक्ट्स पर बात कीजिएगा। बिल्कुल फैक्ट्स की बात करें, अचानक जब अयोध्या में हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुपचाप बिना किसी हिंसा के हो जा रहा है, कोर्ट का फैसला था, बीजेपी का फैसला नहीं था, कोर्ट का फैसला था। मैम, अगर कोई एक कार्य इस तरह से हो सकता है समाज में तो उसमें हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत कहाँ से आती है? बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कैसे किया वो बताइए ना मुझे, कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे या बीजेपी का कोई नेता वहाँ पर सर्वे करने पहुँचा था या बीजेपी ने आदेश जारी किए थे? मैम फैक्ट्स पर बात कीजिए, प्लीज फैक्ट्स पर बात कीजिए। इस घटना आरोप लगा देना ठीक है, आरोप आप लगा रही है, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? प्रूफ कीजिए ना अमनदीप जी, इस आदेश को जनता तक, लोगों तक, सब तक बात पहुंची कैसे? अचानक बहुत सी घटनाएं हो जाती तो है, वहां पे क्या सूचना नहीं मिली? कैसे सूचना नहीं मिली? अचानक सूचना सबको कैसे? तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता माइक लगाकर वहां पर प्रचार कर रहे थे? बीजेपी के कार्यकर्ता माइक लगाकर प्रचार कर रहे थे? मैडम प्रूफ कीजिए ना, ऐसे आरोप लगा देना बहुत आसान है, लेकिन अभी मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैडम प्रूफ कीजिए, आपके पास में कोई इसके पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने एक लाइन रट ली है कि अगर कुछ भी होता है तो फिर बीजेपी पर आरोप लगा देना, आप प्रूफ कीजिए उसको। जब एक कमिश्नर नियुक्त किया गया और उसको आदेश दिया गया, बीच में राखी सिंह याचिका करता होती है, बीच में घटना ऐसे कैसे मालूम जाती है, कैसे जाता है, कैसे मालूम चले सबको? आप बताइए मुझे, इस प्रश्न का उत्तर कोई मुझे दे दे, आप बता दीजिए ना कैसे। ठीक है, रुद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, जब भी कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है ना तो कान में आके नहीं ऑर्डर कहता कि हाँ भैया ये ऑर्डर कर दिया जाके ये कर लेना। कोर्ट का ऑर्डर हमेशा ओपन कोर्ट में ऑर्डर होता है, वहाँ लोग होते हैं, मीडिया के लोग भी होते हैं, सबको जिला अदालत में सबको आने जाने की इजाजत होती है, और यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पास बनता है तो मीडिया के कर्मी। सुधा जी, अब आप सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए सुधा जी, सुन लीजिए प्लीज, बीच में इंटरप्ट। यहाँ तक कि देश की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ भी मीडिया वालों का पास बनता है, वो भी कोर्ट में जाके बहस सुन सकते हैं, और जो बहस सुनते हैं उसके आधार पे वो अपनी खबरें छापते हैं और खबरें दिखाते हैं।
तो ऐसा तो था नहीं कि वो जाके किसी जज साहब को कान में कहना था कि भैया कमिश्नर को कान में कह दो और वो जाके वहाँ मिस्टर अजूबा बन के जाए और वहाँ सर्वे कर ले, सर्वे करके या तो संजय जी जैसा वहाँ से बैठ के, जैसे महाभारत उन्होंने देख लिया था, वहाँ से देख के बता दे कि भैया आंखों देखिए ऐसा ऐसा वहाँ चल रहा है, जज साहब को ऐसा बता दे। तो वहाँ जाके कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ उसको जाना पड़ेगा। उन्माद किसने क्रिएट किया आपको दिख रहा है, लेकिन मौका दूंगी, लेकिन मुस्लिम जो मुल्ला तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों की है ना, वो आपको ये सच कहने पर मजबूर करती है। आपको सच कही नहीं पाते आप कि भाई साहब वहां पे मुसलमानों ने विरोध किया। कल से एक मौलवी का मैं बयान सुन रहा हूं, वो कह रहा है मेरी लाशों पे चढ़ के लोग जाएंगे सर्वे करने। अरे भैया इस देश में कोर्ट से चलेगा काम, संविधान से चलेगा काम, या आपके मस्जिदों में मस्जिद के जो मौलवी हैं वो यहाँ के वो सरिया कानून चल रहा है हिंदुस्तान में कि आप जो कह देंगे कि वहां बैठ के कि नहीं मेरी लाश से यहाँ पे सर्वे होगा। अरे और सर्वे हो भी जाता तो मस्जिद हिंदुस्तान में भाई साहब, कोई पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है। हमारे मंदिरों का आप आ जाइए सर्वे कर लीजिए अंदर। हम तो कहते हैं मुसलमान भी आके वहाँ पूजा करें, हमने तो कभी मना नहीं किया। आप आइए और अंदर जाके अगर मस्जिद के अंदर की चीज कोई कुछ देख लेता है तो उसमें कोई या तो आपने वहाँ पे बहुत वो हथियार इकट्ठा कर रखा है या कुछ और वहाँ पे किसी को छुपा रखा है जो आप चाहते नहीं कि लोग देख पाए। अगर लोग देख भी लेंगे मस्जिद के अंदर की चीजें, उसमें समस्या क्या है? मस्जिद में तो आपका अल्लाह ही तो रहता है कि अल्लाह नहीं रहता वहाँ जी? जब भी मस्जिद को पानी पी मैं बोलूं, नरसिंह सरस्वती जी मंदिर में पिटवा दिया उसको बच्चे को। और नागेंद्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, हिंदू धर्म गुरु हैं। पहले तो नागेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मैं सबसे पहले आपका पक्ष जानना चाहूंगी इस मुद्दे पर। नागेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नागेंद्र जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नागेंद्र जी से संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में उनका रिएक्शन जानेंगे। लेकिन सुधा जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। सुधा जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुधा जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार देखिए आप क्या तकनीकी खामी है उसको दुरुस्त कीजिए। ठीक है रुद्र विक्रम जी, मुझे ये बताइए क्या आप राम मंदिर जैसा माहौल बनता हुआ एक बार फिर से देख रहे हैं? देखिए माहौल तो हालांकि राम मंदिर जैसा नहीं होने वाला है, लेकिन स्थितियां जो दूसरे पार्टी दूसरे पक्ष की तरफ से बन रही हैं वो बिल्कुल आप कह सकती हैं कि जैसा विरोध ये लोग तब करते थे जब कोई फैसला आता था। अयोध्या मसले को लेकर सुधा जी अब आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है, लेकिन रुद्र विक्रम जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद में मैं आपको। अयोध्या मसले को लेकर जब भी कोई कोर्ट की टिप्पणी होती थी, कोई फैसला आता था, तो पूरा देश का मुसलमान जो है एक साथ एक सुर में एक बातें करने लगता था। ठीक वही स्थिति अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि जो है इतने सारे मंदिर आप उसमें पूजा करिए ना, इसमें क्यों आ रहे हैं? भाई साहब आपके कुरान में तो यह है कि मस्जिद की जरूरत ही नहीं है, आप मस्जिद हटा दीजिए, आप कह दीजिए भैया हमें मस्जिद की जरूरत ही नहीं है। हमको क्यों कह रहे हैं हर चीज हम ही क्यों एडजस्ट करें, हम ही क्यों? काशी विश्वनाथ आपको पता है काशी विश्वनाथ की कितनी महत्ता है हमारे धर्मों में, हमारे धर्म ग्रंथों में। हम अपना मंदिर छोड़ दें जिसकी पूरे हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में उसमें महत्ता है, सब में हमारा विश्वास है, और ये जो हमारा देश है वो सिर्फ इन्हीं धर्म आस्था और विश्वास पर ही चलता है। आपकी तरह नहीं है कि जिस बकरे को एक महीना खिलाया पिलाया उसी बकरे को काट दिया। हम एक छोटा सा पेन भी खरीदते हैं तो उसको पहले भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तब जाके हम उसको उसका यूज करते हैं। हम ऐसे धर्म और आस्था वाले लोग हैं, तो हमारी आस्था तो उस, और वो जो हमारा मंदिर है जो कई सौ कई हजारों वर्ष पूर्व है वो मंदिर, तो हम उसमें आस्था हमारी बिल्कुल रहेगी, हमारे पीढ़ियों अगले आने वाली पीढ़ियों आने वाली कई पीढ़ियों में रहेगी। लेकिन आपके आपका तो कहीं आप बता दीजिए कि मस्जिद की कोई व्यवस्था है कुरान में बताई गई कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ाया जाएगा? अगर है आप छोड़ दीजिए, कह दीजिए कोई बात नहीं, हम देश में उमेर जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। उमेर जी आपको आपको ये बात किसने बताई कि हमारे यहाँ मस्जिद का कॉन्सेप्ट नहीं है? आप अरे बाबा मस्जिद अल्लाह का घर है, आप बताइए आप बताइए कि आपके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं कि आप जो है नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं? आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है कि नहीं है कि आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं? आप पढ़ते हैं ना सड़कों पे, पढ़ सकते हैं तो बस ठीक है, क्या क्या जरूरत है मस्जिद की? अल्लाह का घर किस कहीं? अल्लाह तो एक है ना, अल्लाह एक है ना, जमा मस्जिद को हम बता देते कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह वहां रहता है। ठीक है नागेंद्र जी एक बार फिर से जुड़ गए हिंदू धर्म गुरु, उनसे पहले उनका रिएक्शन जान लेते, बाकी बाद में मैं आप सबको मौका दूंगी। ठीक है सर,
अभी आपको मौका दूंगी इसके बाद में। नागेंद्र जी हमारे साथ पे जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले आपका पक्ष बताइए इस पूरे मुद्दे पर। नागेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नागेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सुधा जी, जल्दी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अमनदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो सुधा जी, बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। जी आवाज आ रही है जी। अमनदीप जी मैं बात कर रही थी अभी इसके पहले, एक भाई बोल रहे थे कि कान में बोलना और जो भी, मैं उसमें सिर्फ कहना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत में ही कही थी कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा काशी विश्वनाथ के मंदिर की महत्ता है, उसके महत्ता को जितने भी हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं सब लोग मानते हैं। किसने कहा कि धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए, हमें पूजा में अपनी आसक्ति नहीं है? मैंने सिर्फ कहा था कि जब कोई चीज हो जाए, सामान्य रूप से हो सकती है, और अपने देश में ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती हैं कि जिनके लिए हमें हो हल्ला नहीं करना पड़ता है। मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि जब हम सच्चे होते हैं तो विरोध करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वहां पे सिर्फ आदेश दिया गया है किस चीज के लिए, और कोर्ट की महत्ता, हमारे देश में संविधान की महत्ता सर्वोपरि है, इसको बार बार बताने की जताने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं आगे बढ़ के उसकी चीजों को करना चाहिए। मेरा सिर्फ यही प्रश्न था, क्योंकि आप जानती हैं भले हम उसको नकार दें प्रश्न को, लेकिन प्रश्न पिछले 70 सालों के बाद अचानक जो ये चीजें होने लगी हैं, जिनके होने की जरूरत इस तरह से नहीं थी। अच्छा कार्य हमेशा सराहा जाता है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 की बात हुई, किसी ने इसके अगेंस्ट जाके नहीं बोला है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में कोई चीज इतने अच्छे से हो रही है जिसको हम सोच नहीं पाते थे। तो अगर उसी तरह से हम एक और नए कार्य को सॉल्व कर लेकिन देते, सुधा जी, अगर 30 सालों से कोई मुद्दा अटका हुआ है और अगर अब उस पर किसी तरह का कोई फैसला आ सकता है, तो इस पर भी आपको स्वागत योग्य कदम ही से बताना चाहिए ना, फिर इस पर विरोध कैसा है? नहीं नहीं अमनदीप जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि स्वागत योग्य नहीं, मैंने कहा दोनों घटनाओं में जो 1991 का है और जो आज याचिका दी गई है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे आदेश दिया गया है श्रृंगार देवी, जो गौरी श्रृंगार देवी है, उनके जगह जो भी प्लाट संख्या है उसको जानकारी करने के लिए और उसमें आंखों देखा हाल ताने के लिए। बिल्कुल ये होना चाहिए भाई, जो मंदिर का परिसर है जहाँ पे जो मूर्तियां जो जिनके लिए हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, जिनकी आस्था है, उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मस्जिद हो या मंदिर हो, ये आस्था का विषय है, इसे कभी भी विरोध के विषय के रूप में। सुधा जी फिर विरोध किस बात का? विरोध सिर्फ जो बीच में ना, बीच में लोग आके इसको वो रंग देते हैं, जो सियासत के रंग में आके भगवा या हरा हो जाता है, मैं उसका विरोध कर रही हूँ। सिर्फ मैंने शुरुआत में कहा था कि वो नहीं होके राष्ट्रवाद नहीं, और मैं अभी आपसे बोलूंगी कि इसको प्रूफ कीजिए, तो फिर आप बातों को गोल गोल घुमाएंगे। ठीक है, हिंदू धर्म गुरु एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज अपना पक्ष इस पर साफ कीजिए कि आप लोगों का क्या सोचना है जो आज पूरा हुआ है मुद्दा। इकट्ठे होना, हंगामा करना, नारेबाजी करना, ये सरासर गलत है, जिंदगी है। इन लोगों का काम यही है हंगामा करना, पत्थरबाजी करना। आप एक ही बात हिंदू बता दीजिए, वहां गया हो या विरोध किया हो या किसी चीज का कोई हंगामा किया हो, माननीय कोर्ट का आदेश है और कोर्ट बिना शर्त के समय के लिए आदेश नहीं देंगे, तो खबर रखना चाहिए। इन लोगों को टेंशन ये हो रही है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति है, अवशेष है, तो इनकी फौज बन जाएगी, इस वजह से ये लोग हंगामा कर रहे हैं, माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नागेंद्र जी शायद मुझे लगता है आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि नारेबाजी एक पक्ष की तरफ से नहीं की गई है, दोनों पक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई है। तो आप ये मानते हैं कि भले ही अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हो या फिर हर हर महादेव के नारे लगाए हो, दोनों गलत है? मुस्लिम धर्म गुरुओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम उनको रोकेंगे, ये गलत है। उनको माहौल सौहार्द बना के रखना चाहिए, उनको संदेश देना चाहिए कि कोई बात नहीं है, यदि वो सर्वे करने आ रहे हैं तो कभी नहीं लीजिए। अगर नारेबाजी को आप गलत ठहरा रहे हैं तो फिर आप ये भी कहिए कि दोनों पक्ष की तरफ से नारे जो लगाए गए वो गलत है,
एक पक्षी बात मत कीजिए प्लीज। और जो उसके बाद नारे लगाए गए थे उससे माहौल ठीक हुआ था? नहीं, ये बात नहीं कहता। तो वो नारे भी तो माहौल खराब करने के लिए ही लगाए गए ना, तो उसको आप कैसे सही साबित कर सकते हैं? नहीं, एक बात बताइए, हम लोग परमा सहन करते हैं, लाठी डंडे सहन करते हैं, हमारे मंदिरों को सुराखा है, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, ये सही है? अभी ये साबित नहीं हुआ है कि वहां पर पहले मंदिर था, अभी ये साबित नहीं हुआ है। अभी साबित हो जाएगा, तब आप ये बात कीजिए ना। जन्मभूमि को देख लीजिए, वो भी मस्जिद वो बनी हुआ, वो मंदिर का ही ढांचा है, उस पर गुंबद लगा दिया गया था और कागजों में दर्ज है वो मस्जिद, उसका कर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ही देता है। ठीक है नागेंद्र जी, एक बात बताइए, मंदिर पहुंची थी टीम जांच करने के लिए, सर्वे करने के लिए, वहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसका विरोध किया गया, ठीक है, ये दो पक्षों के बीच का मामला था। अब वहां पे अगर हिंदू पक्ष जाकर हर हर महादेव के नारे लगाता है तो इसको आप सही साबित कैसे कर सकते हैं? ये तो कानून की एक प्रक्रिया थी, अगर रोका गया था तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होती, वो भी संविधान के दायरे में रहकर होती। कानून हाथ में लेने का अधिकार तो आपको भी नहीं है ना। नहीं देखिए, मैं बता दूं, वहाँ शिव जी का मंदिर है और जब शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो नारे लगाते हुए जाते हैं हर महादेव में, और चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठेगा नहीं कोई, और हिंदू जाग चुका है, ये सराकर धर्म है। लेने का अधिकार आपको नहीं है सर, कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको नहीं है। अगर एक पक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई वो गलत है, तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी नारेबाजी गलत ही कहलाएगी, आप सही साबित नहीं कर सकते। अश्विनी जी, बार बार बीजेपी पर आरोप लग रहा है उन्माद फैलाने के, उस पर जवाब दीजिए। नागेंद्र जी आगे मौका दूंगी अब मैं आपको बोलने का, नागेंद्र जी आगे मौका दूंगी। जी सर, बीजेपी पर आरोप लग रहा है, आपने बहुत स्पष्टता से कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल पूछा, उन्होंने जलेबी बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने संविधान की दुहाई दी कि संविधान सम्मत काम होना चाहिए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने साहबानों केस का न्यायालय से जो है फैसला क्या आया उसके बाद इन लोगों ने क्या किया ये कहीं छिपा नहीं है, तो ये लोग न्यायालय में कितनी व्यवस्था रखते हैं ये साफ जाहिर है, और इनको तुष्टि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये आस्था का विषय है। और न्यायालय ने अगर पांच लोगों की एक कमेटी भी बनाई है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, एएसआई के लोग भी हैं, तो सर्वे करने दिया जाना चाहिए था। सर्वे टीम जाती है, उसके बाद अल्लाह अकबर का नारा लगता है, बगल में मंदिर है, मंदिर से श्रद्धालु निकलेंगे, श्रद्धालु भी उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये सब स्वाभाविक है। अश्विनी जी, मुझे बहुत संक्षिप्त शब्दों में ये स्पष्ट कर दीजिए, बीजेपी उन मुद्दों को हल करने को अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताती है जो सालों से अटके हुए थे, इसमें कई सारे उदाहरण है, तो अब 30 साल से तो ये भी मुद्दा अटका हुआ है ना, क्या अब इसका भी समाधान होगा? देखिए, हमारे एजेंडे में काशी मथुरा अयोध्या 370 कॉमन सिविल कोड ये सब हमारे एजेंडे में है और हम सब इसको हल करेंगे, संवैधानिक तरीके से हल करेंगे। हमने पहले भी अपने बात में कहा कि राम मंदिर का मुद्दा संवैधानिक तरीके से सुलझा, ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर को हम लोगों ने सुंदरीकरण किया, संवैधानिक तरीके से किया, मथुरा में भी ऐसे ही करेंगे, तो हम कहीं हमने संविधान का विरोध नहीं किया, ठीक है, मतलब संविधान के दायरे में रहकर सभी समस्याओं का हल होगा। नवीन जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, और साथ ही ये सवाल कि अगर सत्ता पक्ष संविधान के दायरे में रहकर उन समस्याओं का निराकरण करना चाहता है जो सालों से जिनका समाधान नहीं हुआ है, तो उसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है? अमनदीप जी, विपक्ष को व अन्य किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, सवाल इस बात का है कि कुछ महिलाओं ने एक मुकदमा फाइल कर किया है वाराणसी सिविल कोर्ट में, अब उसमें पक्षकार किस किस को बनाया गया है, सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें पक्षकार है अथवा नहीं, न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें क्या वीडियोग्राफी का उल्लेख है अथवा नहीं, या केवल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है? तो तीसरी चीज, आप तो ऐसी न्यायालय की किसी भी आदेश देखिए, अगर नहीं करना बहुत स्पष्ट वीडियो बनाना गलत क्या होगा? आप क्या आप ने आप नहीं नहीं न्यायालय के आदेश में क्या है? न्यायालय ने आदेश दिया है क्या वीडियो बनाने का? मैं वही पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज, कोई भी कमिश्नर जो कि न्यायालय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो आप चुप रहिए, आपको नॉलेज नहीं है,
आप सुनिए पहले जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर कर दीजिए। अश्विनी जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, अश्विनी जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बयानी मत करिए, बैठ ठीक है, मैं मौका दूंगी सर आपको। फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हैं भाजपा वाले बेचारे, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। नवीन जी, नवीन जी बोलिए, शांत रहें, गंभीरता से सुनिए। नवीन जी एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि अगर अगर कोर्ट ने कहा है कि आंखों देखा हाल बयां करना है तो वीडियो के अलावा क्या क्या माध्यम है, क्या विकल्प है, थोड़ा आप वही बता दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है जब मामला न्यायालय में होता है अमनदीप जी, तो उसमें कोई विकल्प जनता का या किसी राजनीतिक दल का मान्य नहीं होता है, और मैं समझता हूं न्यायालय के मामलों में दखल किसी को देना भी नहीं चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। दूसरी चीज, जब नहीं मैं सवाल इस बात को उठा रहा हूं कि न्यायालय ने जब आदेश दिया वहां सर्वे होना था, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का फेल्योर है कि वहां सर्वे संपन्न नहीं हो पाया। ये कैसे दावे करते हैं सुशासन के, हर जगह बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप का प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश, और किस तरीके की सरकार पर सवाल उठाए हैं, अब जवाब ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक है अश्विनी जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। अमनदीप जी ये बार बार कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। ठीक है सर। 5 सदस्यों की कमेटी में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोग, पुरातत्व विभाग के 1 विशेषज्ञ, एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा इस कमेटी का पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। कमेटी जांच करेगी क्या मौजूद ढांचा किसी इमारत को तोड़कर या इमारत में कुछ जोड़कर बना है या नहीं। कमेटी इस बात का भी पता लगाएगी क्या विवादित स्थल पर मस्जिद के निर्माण से पहले या कोई हिंदू समुदाय से जुड़ा मंदिर था। कमेटी इस पूरे कार्य की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराएगी। सर्वे के पूरे काम को गोपनीयता के साथ किया जाएगा। सर्वेक्षण स्थल पर आम जनता और मीडिया को यह प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है, संबंध में किसी वीडियोग्राफी वाला जो सवाल था वो काफी हद तक स्पष्ट हो चुका है। ठीक है सर जी, वीडियोग्राफी को लेकर जो सवाल उठा रहे थे उमेर जी और नवीन जी, आप दोनों को जवाब मिल गया होगा। ठीक है रुद्र विक्रम जी, क्या लगता है आपको 2024 के लिए एक मुद्दा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलेक्शन है जो मंदिर मस्जिद से होकर गुजरे हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी यूपी से होकर गुजरती है, तो क्या लगता है 2024 के लिए एक मुद्दे को तैयार किया जा रहा है? देखिए मुद्दा अगर मान भी लेते हैं कि बीजेपी तैयार कर रही है, तो आप उस मुद्दों में पढ़ क्यों रहे हैं? आपको जरूरत क्या? अगर कोर्ट ने आदेश दिया, सीधा सीधा आदेश है, जो अश्विनी भाई ने भी पढ़ के भी सुनाया कि वीडियोग्राफी का सीधा सीधा आदेश है, आंखों देखी, और पता नहीं कहां से ये मौलाना अपना लेके आते हैं कि आंखों देखी और क्या कानों देखी, वो कहां से लेके आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सीधा सीधा वहां पे ऑर्डर है, जो आज कमिश्नर गए, कमिश्नर का बयान भी है कि हमें ऑर्डर मिला है कि हम जो है वीडियोग्राफी करके उसको सबमिट करना है। अब ये नए नए शब्दावली कहां से लेके आते हैं, पता नहीं वो अरब कंट्री से लेके आते हैं, कहां से लेके आते हैं मुझे नहीं पता। तो अगर अगर कोर्ट कुछ कहती है आप उसको करने दीजिए। अगर सीधे सीधे टीम गई होती, सर्वे करके ले आई होती, ना ये मुद्दा बनता, ना हम यहां बहस कर रहे होते, तो ये मुद्दा बना कौन रहा है? मुद्दा विपक्ष बना रहा है, मुद्दा सत्ता पक्ष नहीं बना रही है। सत्ता पक्ष तो जो कोर्ट का आदेश है या बनाने की कोशिश भी, मैं मान लेता हूं कि चलिए बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें हवा कौन दे रहा है? अब आप विरोध करेंगे तो भाई सत्ता पक्ष की, तो वो कोई विपक्षी दल इसमें खिलाफ नहीं है, विपक्षी। अरे आप कहिए ना, आप लोग अभी दोनों पार्टी के लोग, आप सपा और कांग्रेस के दोनों लोग पार्टी के लोग ये कहीं नहीं रहे कि नहीं मुसलमानों ने विरोध गलत किया। सरकार का दायित्व होता है, अच्छा ठीक है आप दोनों लोग, दोनों पार्टी प्रवक्ता सिर्फ ये बोल दीजिए कि आज जो है जो कमिश्नर गया था वहाँ पे, जो कमिश्नर और कमिश्नर की टीम गई थी सर्वेक्षण करने, तो मुसलमानों ने जो है कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ही करते हुए उनका विरोध किया, ये गलत है। नवीन जी सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, नवीन जी सर्टिफिकेट मत बांटिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट मत बांटिए सर, आप नहीं बताएंगे, आपको यहाँ पर इनवाइट सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं किया गया है। मैंने यही कहा ना कि आप ये कह दीजिए ना कि भैया जो मुसलमान लोग विरोध कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, भाजपा के पास है वो, तो एकाधिकार राष्ट्रवाद। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, एक एक कर फाइनल कमेंट सभी मेहमानों से मुझे लेना है, मेरे पास वक्त की कमी है विक्रम जी, मेरे पास वक्त की कमी है, एक एक कर फाइनल कमेंट सभी मेहमानों से लेना है। शुरुआत कर लेते हैं सुधा जी के साथ में, सुधा जी फाइनल कमेंट आपका। जी अमनदीप जी, अभी नवीन भाई बहुत आक्रोश में बोल रहे थे कि दोनों पार्टियों के लोग बोल दें, यहाँ पे तो मेरे तो ये बोला ही नहीं कि जो चीज हुई वो बहुत सही हुई, होना चाहिए, मैं तो कभी एक बार कहा भी नहीं, मैंने सीधे बोला कि कोर्ट का जो आदेश है वो होना चाहिए, जो लोग जब सच्चे हैं उसको विरोध करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि पार्टी हमारी कहती है कि नहीं ये गलत हो रहा है।
रहा है या गलत। मैंने हमेशा कहा कि जो हम रंग फैला देते हैं और जो आक्रोश ले आते हैं ना कि हम किसी, अभी हमारे भाई ने कहा कि अश्विनी भाई ने कि जलेबी बना दिया, मैंने आपकी हर बात का, आपने कहा प्रूफ करिए, प्रूफ करने के लिए भीड़ में आपने दोनों रंग देखे, आपको इसको प्रूफ करने की और जरूरत नहीं है। आप भी जानती है मनदीप जी कि किसी चीज को करने के लिए अगर हम सच में हमारे उत्तर प्रदेश मैडम, मुझे उस भीड़ में एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एक बीजेपी का नेता बता दीजिए, कांग्रेस का आप बता दें। तो कांग्रेस पर तो मैं सवाल ही नहीं उठा रही ना मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप। नहीं, तो मैं भी क्या कह रही हूँ, मैंने कहा कि इसको इस रंग में ढालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, शुरुआत में ही बात कही थी मैंने, एक बार भी नहीं कहा सही कर रहे थे। हाँ, तो यानी कि आप ये मान रही है ना कि कोर्ट ने जो आदेश दिया और जो टीम पहुंची थी वो ठीक थी, समर्थन कर रही है ना आप, ठीक है, कोई सवाल ही नहीं बचता इसके बाद में, ठीक है कोई सवाल ही नहीं बचता। मुस्लिम विरोध कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, आप जो मौलाना और मुस्लिम कर रहे थे विरोध, लेकिन इस पे सुधा जी कुछ नहीं बोलेंगे, आप सीधा बोलिए ना कि जो मुस्लिम मौलाना वहाँ पे विरोध कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। नागेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट पूरे मामले पर। नागेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है, तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क। बिल्कुल आ रही है जी, सभी को न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए पालन करना चाहिए, ठीक है। सरकारों का काम है न्यायालय के आदेश का पालन कराना, पहले भी न्यायालय का आदेश आया था तो पिछली सरकार आदेश का पालन नहीं करा पाई थी, लेकिन भाजपा सरकार करा रही है तो अच्छी बात है और कराना चाहिए, और सभी को शांति बनाए कर रखनी चाहिए, ठीक है। सर्वे हो रहा है, सर्वे पर विश्वास रखें, कोर्ट पर विश्वास रखें, क्योंकि हमारा देश कानून प्रधान देश है, ठीक है। उमेर जी, ठीक है सर, ठीक है। उमेर जी, फाइनल कमेंट जी। मैडम, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से, हिंदू धर्मगुरुओं से ये कहा गया था कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मानने में होगा, इसी तरह से अंजुमन कमेटी को विश्वास में ले लिया गया होता तो इस तरह का कोई विरोधी ना होता, और हमने तो पहले ही कहा था कि कोर्ट का हम हमेशा सम्मान करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। विश्वास में कैसे लिया जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। विश्वास में कैसे लिया जाना चाहिए था मैडम, ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले लिया गया था, ठीक है। यानी पहले आप लोगों से बातचीत की जाए, उसके बाद में कोर्ट अपना फैसला सुनाए, ठीक है। नवीन जी, फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। निश्चित तौर पर अमनदीप जी, इस मामले में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, जिस तरीके की हम लोग डिबेट कर रहे हैं, न्यायालय में बहुत प्राइमरी स्टेज पर ये मुकदमा है, ठीक है। इसके बाद साक्ष्य आने दीजिए, दोनों पक्षों को सामने आने दीजिए, उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट होगी, देन आगे कुछ कहना बहुत सही कहा आपने कि अभी होगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक दुर्भाव फैलाने का है, ठीक है। अश्विनी शाही जी, अमनदीप जी, देखिए अंत में हमको यही कहना है कि इस, जी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। इस देश में जो भी मुगल आक्रांताओं के द्वारा या किसी के द्वारा जो विसंगतियां फैलाई गई हैं, उसको कानून के सम्मत, न्यायालय के सम्मत, संविधान सम्मत, उसका हल भारतीय जनता पार्टी निकालने की कोशिश करेगी, और जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ भी कानून सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। रुद्र विक्रम जी, बहुत संक्षिप्त में आपका फाइनल कॉमेंट। देखिए, जो ये मामला चल रहा है, जो इन्होंने कहा मौलाना ने कि इस पे हमको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए, ये कि देखिए कोई फाइनल ऑर्डर तो था नहीं, ये एक एंट्री ऑर्डर है, एक सर्वे की एक प्रक्रिया है, जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं बीच में, और किसी भी सिविल मामले में ऐसा नहीं कि मीडिएशन नहीं होता, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, बाद में जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, मीडिएशन की भी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी मीडिएशन कार्रवाई होगी, तभी जो है इसमें फैसला दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप हमसे क्यों अपेक्षा करते हैं कि हम अपने मंदिरों का छोड़ दें, आपके तो, आपको तो बुत परस्ती आपके यहाँ पे गुनाह है, तो आप मस्जिद में क्या करने जाते हैं बुत परस्ती के, आप तो सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं भी बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं, तो आप वो भावना क्यों नहीं ला, आप क्यों नहीं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो है भाईचारा बनाने के लिए, हम जो आपके मुगलों ने सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया था, तो कम से कम आप सोच ली, आप ये मान लीजिए कि नहीं नहीं जो हुआ था हमारे मुगलों ने गलत किया, औरंगजेब और इन सब ने गलत किया, अब हम गलती अपनी मानते हैं, और हम जो है किसी और की गलती का बदला किसी और से नहीं लिया जा सकता, किसी और की गलती का बदला किसी और से नहीं लिया जा सकता ना, ये तो आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है, इसमें तो संविधान में हमारा अधिकार दिया हुआ है, इसको लेकर तो सवाल उठाना ही गलत है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।
और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।